मुहर्रम के अवसर पर ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी निगरानी, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। सीओ निशिकांत, प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार और कटहरा अध्यक्ष जयप्रकाश के नेतृत्व में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी, जिसका परीक्षण कटहरा के प्रांगण में की जा रही है। भी ड्रोन कैमरे का जो परीक्षण किया जा रहा था, इस संबंध में क्या मकसद है? मुहर्रम जो पर्व है वो शांतिपूर्वक उसका उठ जाए, क्या उसको बोलते हैं, ताजिया। हाँ, ताजिया का मिलन, ताजिया का जो तामिला हो, सही से हो, कोई भी ऐसा घटना नहीं घटी, तो इसलिए हम लोग ने जो पहले से इंतजाम करते सरकार के द्वारा, सब जगह जहाँ जहाँ ताजिया का मिलान हो रहा, सब जगह सीसीटीवी कैमरा में सब कह रहे हैं। अभी मुहर्रम के पर्व का अवसर है, इसमें कि ताजिया का जुलूस निकाला जाता है, इस पर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने जो चेहरा कला के जो निवासी हैं, उनको मैं मुहर्रम के पूर्व अवसर पे सबको बधाई देता हूँ और कहता हूँ कि आप लोग भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाएं। और जहाँ तक व्यवस्था की बात की गई है, तो हम लोगों ने, हम सीओ साहब और थाना प्रभारी मिलकर करीब 20 जगहों को हमने चिन्हित किया है, जहाँ पे हम सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और साथ साथ हमारा ड्रोन की व्यवस्था है, ताकि किसी भी स्तर पे यदि कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है तो उसका पता करके हम लोग पुनः कार्रवाई कर सकें। इसकी नौबत ना आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग जो हैं शांतिपूर्वक मुहर्रम को पूरा करेंगे। धन्यवाद। भी मुहर्रम पर्व को लेकर के सीसी कैमरे का उपयोग प्रशासन द्वारा की जा रही है, और अन्य की व्यवस्था, अन्य और क्या व्यवस्था की जा रही है जिससे कि शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम संपन्न हो? सबसे पहले तो मुहर्रम के लिए चेहरा कला प्रखंड के सभी वासियों को हार्दिक बधाई हो, और हम लोग इसके लिए जितने भी जगह हैं सभी जगह घूमकर, वहाँ के लोगों से मिलजुल कर, वहाँ के जो भी तजिया के समिति है उन लोगों से बात करके, हम लोग में आपस में बैठक करके उन लोगों को सारा दिशा निर्देश दे दिए हैं, और अपने स्तर से या प्रशासन के स्तर से जो भी व्यवस्था होगी उन लोगों की भी सूचना उन लोगों को दे दी गई है। सुरक्षात्मक उपाय के रूप में सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन, ये सब की व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।